और बच्चों क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है। देखिए, चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन आप पढ़ते रहिए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे भी आपके पास, यानी कि एक कंसिस्टेंसी के साथ ना अगर पढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं ना, यकीन कीजिए मेरा, वो ना जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, चीजों को कंसिस्टेंसी में लेकर आइए। मतलब चीजों को प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे बच्चे करते रहिए। आप देखेंगे जो चीज आपको आज नहीं आ रही समझ में, 100% वो चीज समझ में आएगा और आप उसी चीज में मास्टर्स बन सकते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि चीजें नहीं आ रही है, नहीं हो पाएगा, ये सब फालतू चीजें, इन पर कभी यकीन मत करना। ये सिर्फ ब्रेन आपको कहता है, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। आप करेंगे तो चीजें आ जाएगा। वैसे भी बच्चे देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बच्चे बोला था कि भाई ये हमारे पास, यानी कि क्या चल रहा था, प्लांट किंगडम। तो पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था प्लांट किंगडम का, है ना। और इस प्लांट किंगडम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि प्लांट किंगडम में आपके पास यानी कि 5 डिवीजन था। तो जिसमें आपके पास यानी कि पहला था एल्गी, दूसरा था आपके पास यानी कि ब्रायोफाइट्स, क्या था, ब्रायोफाइट्स, है ना। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि टेरिडोफाइट, क्या है, टेरिडोफाइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि भाई ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो ये सब तो हम लोगों ने आपके पास पिछली क्लास में लगभग इनका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था कि भैया ये होते क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, ये अपने अपने डिविजन है। मैंने क्या बोला था बच्चे कि ये 5 डिवीजन है। मतलब प्लांट किंगडम को अगर आप समझना चाहते हैं, प्लांट को पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब प्लांट को पढ़ा जाता है अंडर द एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसके अंडर हम लोग प्लांट को पढ़ते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की किताब में ऐसा स्टेटमेंट गिवन है, है ना। तो आज मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बेसिकली पढ़ाने क्या वाला हूँ, ये देखना आपके पास कि आज बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे आपके पास, यानी कि एल्गी, क्या पढ़ेंगे, एल्गी। तो मैंने बच्चे पिछली क्लास में आपसे बोला था कि भाई मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा आपके पास, यानी कि एल्गी। तो याद रखना बच्चे आपके पास, यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं आपके पास, यानी कि एल्गी, क्या पढ़ने वाले, एल्गी। तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है ना, शुरू करते हैं एल्गी के बारे में, समझते हैं कि भाई गॉड ये एल्गी होता क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से आपके पास यानी कि यूजफुल है। तो आज देखते हैं आपके पास यानी कि एल्गी। एल्गी को बच्चे हम लोग तीन तरीके से आपके पास सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे पास यानी कि एल्गी होता है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं ना। देखिए एल्गी में सबसे पहले बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि एल्गी के बारे में जानेंगे कि एल्गी एक्चुअल में क्या होता है, फिर इसके हम लोग आपके पास यानी कि बच्चे टाइप्स देख लेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे, क्या आपके पास इकोनॉमिक आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंस देख लेंगे, या सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, तो सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि भैया एल्गी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, कि वह एल्गी हमारे लिए जरूरी क्यों है, या हम इससे आपके पास यानी कि कौन कौन से केमिकल्स या किस तरीके से आपके पास ये एज ए ह्यूमन इसको यूज किया जाता है, ह्यूमन इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देख लेते हैं क्या दिक्कत है, है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपसे कहा कि भाई एल्गी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एल्गी समझिए, एल्गी आपके पास असिंपल थायलॉइड क्लोरोफिल bearing plant either unicellular or multicellular, और आपके पास यानी कि multicellular, और आपके पास you can say that filamentous एल्गी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास यानी कि एक सिंपल प्लांट होता है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके पास, यानी कि थैलॉइड, मतलब थैलस लाइन, और इसके पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्लोरोफिल होता है। मतलब जितने भी सेल होंगे सभी के सभी क्लोरोफिल को बेयर करेंगे, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, एल्गी बच्चे आपके पास यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे यूनिसेलुलर में हम लोग क्लेमिडोमोनास की बात करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। कोलेरा की बात करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। स्पाइरोलिना की बात करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। अगर हम लोग बच्चे फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंटस के अंदर आपके पास जैसे यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, फिलामेंटस होता है। अगर आप हम लोग बात करते हैं आपके पास स्पाइरोगायरा की, तो ये अपने आप में क्या होता है, फिलामेंटस होता है। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आपके पास कॉलोनियल फॉर्म में बॉलवर्क्स चला जाता है। समझ पा रहे हैं? आपके पास यानी कि ब्रांच फॉर्म के अंदर आपके पास एक्टोकार्पस वगैरह चला जाता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये है कि जो एल्गी होता है वो एक सिंपल है। थायलॉइड, आप ये ध्यान रखना बच्चे कि जब मैं आपके पास यानी कि ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना आपके पास, यानी कि थैलस, आपके पास यानी कि थैलस, तो थैलस का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, यानी कि एक छोटा सा आपके पास थैलस, मतलब अ प्लांट, प्लांट विच विच डज नॉट पॉजेस पॉजेस रूट्स स्टेम एंड लीफ। ऐसे प्लांट जिनके पास ना तो रूट्स होती है, ना तो स्टेम्स होती है, ना तो लीव्स होती है। थैलस अगर वर्ड आता है आपके पास, यानी कि थैलस क्या होता है, तो ऐसे प्लांट जिनके पास ना तो आपके पास यानी कि डज नॉट पॉजेस रूट्स स्टेम एंड लीफ आपके पास, और वी कैन नॉट, और यहां तक कि बच्चे ऐसे देखो कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई ये ग्रीन ग्रीन करके आपके पास यानी कि ये कलर है, ये क्या आपके पास यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर है आपके पास, समझ पा रहे हैं? तो ये जो बच्चे आपके पास यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ आपके पास, यानी कि एक काम करते हैं ना, ये ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, रॉक का कलर ले लेते हैं, और नीचे आपके पास यानी कि रॉक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई मैंने आपसे कहा कि बच्चे ये तो आपके पास नीचे क्या है, ये आपके पास यानी कि रॉक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो बच्चे ये ध्यान रखना कि ये जो मेरे पास आपके पास है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास, यानी कि सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ये तो आपके पास यानी कि सबस्ट्रेटम है ना, सबस्ट्रेटम है आपके पास, यानी कि सबस्ट्रेटम है। और ये इसके ऊपर जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस, क्या बोलते हैं, थैलस। तो अब मेरे बच्चे आप ये बताइए, क्या आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखकर क्या इसमें आप लीफ मुझे बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। क्या आप मुझे स्टेम बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। क्या मुझे इसके अंदर आप लीव्स बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। मतलब ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी मच डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मच डिफरेंशिएटेड का मतलब ना तो उसमें रूट्स का पता चलेगा, ना स्टेम का पता चलेगा, ना लीफ का पता चलेगा। तो ऐसे प्लांट जो आपके पास मिट्टी से चिपकी हुई हो, लकड़ी से चिपकी हुई हो, या आपके पास पत्थरों से चिपका हुआ हो, बस वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। अब समझना, तो ये ध्यान रखना आपके पास, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस, क्या बोलते हैं, थैलस। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चे। मैंने आपसे बच्चे ये कहा कि भाई आपके पास यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग आपके पास, यानी कि थैलस बोल रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये जो आपके पास यानी कि एल्गी होता है, एल्गी, ये एल्गी एक्चुअल के अंदर आपके पास, अब समझना, पहला एल्गी हमेशा आपके पास यानी कि ऐसा नहीं, अगर एल्गी के सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो आपसे मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि अगर जब आप हैबिटेट की बात करेंगे, पहला आपके पास यानी कि हैबिटेट्स, कि एल्गी आपको कहां मिल सकता है, तो आपको एल्गी हर जगह पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि यहां नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना मोस्टली मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक, और एक्वेटिक में कहां, तो एक्वेटिक के अंदर आपके पास ये मेराइन हैबिटेट में ज्यादा होते हैं, मेराइन हैबिटेट, तो ये समुद्रों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, समझ पा रहे हैं? ये आपके पास यानी कि स्टुअरीज वगैरह, यानी कि जिसे हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर बच्चे आपके पास उस पानी को कहा जाता है जहां पर समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल में एस्टुअरीज, एस्टुअरीज वगैरह जो बनते हैं आपके पास, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, आपके पास ब्रैकिश वाटर होता है, जिसमें आपके पास देखो मेराइन वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जो ये सॉल्ट होता है इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, फ्रेश वाटर के अंदर आपके पास यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपके पास यानी कि लेस रहता है, क्या रहता है, लेस रहता है, यहां पर लेस रहेगा, ध्यान रखना यहां पर लेस रहेगा,
यहाँ पर आपके पास सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हाई रहता है ज्यादा रहता है, इसके अंदर आपके पास यानी कि क्या रहता है आपके पास इंटरमीडिएट, ना तो ज्यादा रहता है ना तो कम रहता है। तो कहने का मतलब ये ज्यादातर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, बट कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर भी पाया जाता है, जैसे आपके पास यानी कि डैम्प सॉइल आपके पास यानी कि रॉक्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, और तीसरा आपके पास यानी कि सॉइल्स हैविंग आपके पास यानी कि सॉइल्स कंटेनिंग मॉइस्चर्स, कंटेनिंग आपके पास यानी कि मॉइस्चर्स, यानी कि जो सॉइल जिसके पास आप मॉइस्चर्स होगा उस मॉइस्चर्स के अंदर, मतलब यह ध्यान रखना अगर एल्गी को चाहिए, अगर एल्गी कहीं पर ग्रोथ तभी करेगा जब वहां पर आपके पास यानी कि वाटर होगा, क्या होगा आपके पास वाटर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चे ये छोटे प्लांट होते हैं और ये आपके पास, इनके पास ऐसा नहीं होता कि ये प्लांट आपके पास सेलुलर लेवल पर होते हैं, प्लांट टिश्यू लेवल पर होते हैं, ऑर्गन लेवल तो आपके पास एंजियोस्पर्म में चलता है, तो मतलब ये प्लांट जो होते हैं आपके पास टिश्यू लेवल सेलुलर लेवल पर होते हैं, मतलब एल्गी बेसिकली आपके पास यानी कि सेलुलर लेवल का प्लांट होता है, मतलब सेल वाला प्लांट होता है, सेल बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर आपके पास यानी कि स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर्स बना लिया, तो इसमें सारे के सारे सेल, और सेल अगर सेलुलर लेवल पर है तो जाहिर सी बात है सेल अगर पानी नहीं होगा तो सनलाइट की वजह से होगा क्या आपके पास यानी कि ड्राई अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्राई अप, मतलब कौन सी कंडीशन में चला जाएगा डेसिकेशन, कौन से आपके पास कंडीशन में चला जाएगा डेसिकेशन, और डेसिकेशन का मतलब क्या होता है ड्राई अप, मतलब सूख जाएगा मर जाएगा, तो मतलब प्लांट को मारना थोड़ी ना, तो इसीलिए ये प्लांट ऐसे एरिया के अंदर पाया जाता है जहां पर टेम्परेचर कम हो, जहां पर वाटर अवेलेबल हो। अब देखना दूसरी बात करते हैं, एक तो हैबिटेट ये हो गया आपके पास, दूसरा हैबिटेट बच्चे ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपके पास यानी कि एल्गी सिर्फ यही पाया जाता है, इट ऑल्सो लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कौन बताओ, एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे आपके पास यानी कि लाइकेन का, किसका एग्जाम्पल दे रखा है बच्चे लाइकेन का, और इसके अलावा आपके पास एल्गी ग्रो करते हैं। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि एल्गी ऑल्सो लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मेरे प्यारे बच्चे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है यानी कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें लाइकेन होता है, क्या लाइकेन बेसिकली एसोसिएशन होता है किसका, समझते हैं इसको, मैंने आपसे बच्चे कहा कि एल्गी आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक किसमें आपके पास यानी कि एसोसिएशन में जीते हैं, अब जो आपके पास यानी कि प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, तो इसमें मैंने कहा आपसे कि भाई इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, क्या आपके पास यानी कि लाइकेन्स। अब लाइकेन जो होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, लाइकेन कॉम्बिनेशन होता है फंगस का, किसका होता है आपके पास और एल्गी का, किसका होता है एल्गी का, मतलब इसके अंदर आपके पास यानी कि दो जीव होते हैं, एक एल्गी होता है और एक फंगी होता है, तो एक आपके पास फंगस और एल्गी, ये दोनों मिलकर आपके पास यानी कि एक जीव बनाते हैं, और उस आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है आपके पास यानी कि लाइकेन्स, तो यहां पर फंगस और एल्गी दोनों रहते हैं। अच्छा आगे देखिए, अगला बच्चे मैंने कहा आपके पास यानी कि इट ऑल्सो आपके पास यानी कि ग्रोस, और कहां ग्रो करता है ये, तो ये आपके पास यानी कि ग्रो ऑन आपके पास यानी कि स्लोथ बियर, स्लोथ आपके पास यानी कि बियर, जब आपके पास यानी कि पहाड़ों में जहां पर आपके पास बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है, वहां पर जब स्लोथ बियर आपके पास यानी कि हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पीरियड के अंदर चला जाता है, तो होता क्या है उसकी बॉडी के ऊपर आपके पास यानी कि बर्फ ढक जाता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास यानी कि बढ़ता है वो बर्फ धीरे धीरे पानी बनकर चला जाता है, और उन आपके पास यानी कि बियर की बॉडी के ऊपर जो भालू होते हैं उन भालू के बॉडी के ऊपर आपके पास यानी कि क्या ग्रो कर जाते हैं आपके पास यानी कि एल्गी, क्या ग्रो कर जाते हैं एल्गी। ये ध्यान रखना बच्चे आपके पास कि भाई ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं होता, मैं आपसे बता रहा हूं आपके पास यानी कि एक वर्ड है समझना, मैंने आपसे कहा बच्चे आपके पास यानी कि एंडो आपके पास यानी कि जॉइक, एंडोजॉइक मतलब क्या है एंडोजॉइक, एल्गी विच आपके पास विच ग्रोज इनसाइड द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, ऐसे भी एल्गी हैं जो
जो एनिमल के टिश्यूज के अंदर आपके पास यानी कि ग्रो करते हैं, और ये एनिमल ज्यादातर आपके पास यानी कि क्या होते हैं, आपके पास पहला प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स एंड आपके पास इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एंडोजॉइक आपके पास यानी कि एंडोजॉइक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब ऐसे आपके पास यानी कि एंडो का मतलब इनसाइड होता है और जॉइक का मतलब जू, मतलब जू का मतलब एनिमल्स, क्या होता है एनिमल्स, समझना, जू का मतलब एनिमल्स। तो ऐसे आपके पास एल्गी जो बेसिकली एनिमल की आपके पास यानी कि टिश्यूज के अंदर आपके पास ग्रो करते हैं तो उन्हें एंडोजॉइक कहा जाता है, और ये जनरली आपके पास प्रोटोजोन्स और किसके अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपके पास जो इनकी टिश्यूज होती है उसके अंदर आपके पास ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा आगे देखिए, आगे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि यही है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे एल्गी हैं, आप अगर देखेंगे एल्गी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यही है आपके पास। जैसे एक और वर्ड है आपके पास यानी कि एप्पी, आपके पास यानी कि जॉइक, एप्पी जॉइक आपके पास यानी कि एल्गी, एप्पी जॉइक एल्गी बच्चे आपके पास यानी कि दोस एल्गी, दोस एल्गी विच ग्रोस, विच ग्रोस, ग्रोस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ एनिमल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स और आपके पास यानी कि एनिमल्स के आपके पास यानी कि बॉडी के ऊपर या सरफेस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, एक्चुअल में एपिजॉइक है, तो सिर्फ ये याद रखना आपके पास यानी कि एनिमल प्लांट को छोड़ दो, काट देते हैं, है ना, सिर्फ एनिमल के आपके पास यानी कि बॉडी के सरफेस पर, जैसे स्लोथ बियर वाला एग्जांपल दिया था तो वहां पर आपके पास यानी कि ये ग्रो कर जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास यानी कि इसके लिए अगर प्लांट के लिए हुआ तो आपके पास ये एपिफाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स आपके पास यानी कि वो एल्गी होता है, दोस एल्गी, दोस एल्गी बीच आपके पास यानी कि बीच ग्रोस ऑन प्लांट, जो आपके पास यानी कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिफाइट। एपी का मतलब होता है बच्चे आपके पास यानी कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ आपके पास यानी कि आउटर, आउटर लेयर, लेयर ऑफ बॉडी को क्या बोला जाता है आपके पास, एपिडर्मल। और फाइट का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आपके पास यानी कि प्लांट, क्या होता है प्लांट। तो इसीलिए आपके पास यानी कि जिसके एपिडर्मल, किसके, प्लांट के सरफेस, सरफेस पर अगर ऐसा एल्गी ग्रो करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एपिफाइट्स। अगर एनिमल के सरफेस पर अगर ग्रो करता है तो उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एपिजॉइक आपके पास यानी कि एल्गी। ऐसे बच्चे आपके पास बहुत सारे टर्म है जिसको आपके पास हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और बाद में हालांकि मैं करवाऊंगा सभी के एग्जांपल्स भी लिखवाऊंगा, पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में एल्गी होता क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो आपके पास यानी कि एल्गी है, एल्गी, तो एल्गी का बच्चे दूसरा आपके पास पहला पॉइंट आता है आपके पास यानी कि शेप, शेप एंड आपके पास यानी कि साइज। शेप में जनरली बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है आपके पास, वो अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई हमारे पास शेप जो होता है, जैसे फिलामेंटस, जैसे हमारे घरों में आपके पास यानी कि बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है ऐसे, तो फिलामेंटस के अंदर जनरली बच्चे जो एग्जांपल रहता है वो आपके पास स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा और आपके पास यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ये आपके पास फिलामेंटस होता है। एक्टोकार्पस भी होता है, एक्टोकार्पस ये भी आपके पास फिलामेंटस बॉडी को दिखाता है, ठीक है। अगर हम लोग साइज की बात करें तो ये नहीं आपके पास यानी कि साइज में, ये बच्चे यूनिसेलुलर से लेकर, यूनिसेलुलर कौन सा आपके पास, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और आपके पास यानी कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में अगर एग्जांपल की बात करें, यूनिसेलुलर जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई हो, तो इसमें हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि क्लैमी, क्लैमीडोमोनास, क्लैमीडोमोनास, ध्यान रखना क्लैमीडोमोनास ये फ्लैजिलेटेड एल्गी होता है, क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है लेकिन एक सेल का बना हुआ होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे दूसरा आपके पास, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोलेरा,
क्या बोल रहे हो बच्चे, आपके पास कॉल है ना स्पाइरुलिना, तो ये जो आपके पास स्पाइरुलिना, कोरेला, स्पाइरुलिना, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होता है आपके पास, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब ये आपके पास नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। तो ये ध्यान रखना आपके पास कि कौन सा मोटाइल है और कौन सा आपके पास नॉन मोटाइल है। मतलब जिनके पास फ्लैजिला होगा वो मेरे प्यारे बच्चे मोटाइल होगा, लेकिन जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो आपके पास नॉन मोटाइल होगा। तो इनके पास फ्लैजिला होते हैं, मतलब जो सेल होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं, तो इसी की वजह से मूवमेंट को शो करते हैं। ये कोरेला और स्पाइरुलिना ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये आपके पास नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब देखिए, अगर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं बच्चे, तो हम लोग मल्टीसेलुलर के अंदर आपके पास एक सबसे बड़ा एल्गी की आपके पास यानी कि बात करते हैं, जिसे बेसिकली हम लोग आपके पास यानी कि सी आपके पास यानी कि ग्रास, घास कहा जाता है, और इसका नाम है आपके पास यानी कि केल्प्स। क्या आपके पास, केल्प्स। ये लगभग समुद्र के अंदर मेरे प्यारे बच्चे 100 मीटर की घास होती है, समझ पा रहे हैं, और ये बेसिकली ब्राउन एल्गी होती है। क्या होती है आपके पास, यानी कि ब्राउन एल्गी। तो ध्यान रखना कि ये आपके पास यानी कि ब्राउन एल्गी होती है, जो आपके पास यानी कि कितना आपके पास यानी कि 100 मीटर की होती है, समुद्रों के अंदर पाया जाता है, मतलब समुद्री घास भी कहा जाता है इसको, समझ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भाई आपके पास शेप में फिलामेंटस हो सकता है, जैसे उसमें एग्जाम्पल में मैंने कहा आपसे स्पाइरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, एक्टोकार्पस। अगर शेप की बात करें तो ये मतलब फिलामेंटस, इनकी बॉडी बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, ऐसा नहीं होता कि स्फेरिकल नहीं होता। जैसे आपके पास हम लोग वॉल बॉक्स वगैरह की अगर बात करें तो ये बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है, तो इसी की वजह से आपके पास ये कॉलोनी बनाते हैं, मतलब ये कॉलोनियल फॉर्म है, मतलब कॉलोनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि ये गोल गोल नहीं होता, मतलब गोल गोल भी होगा, ओवल शेप में होता है। सेल के तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे शेप होते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपके पास इनका शेप डिजाइन देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया नेचर में, और जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा बच्चे कि ये जो मेरे पास पहला कि एल्गी, एल्गी, अब ये जो एल्गी था बच्चे, इसमें हम लोगों ने शेप देखा। शेप के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट आता है वो आपके पास यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ये एल्गी आपके पास रिप्रोड्यूस किससे करता है, मतलब कैसे करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चे अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान रखना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीन मोड होते हैं एल्गी के। पहला आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं बच्चे, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव आपके पास यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास असेक्सुअल, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ रिप्रोडक्शन। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। समझना, एल्गी कभी भी मेरे प्यारे बच्चे अगर कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ना, कैसे आपके पास यानी कि वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब क्या है ये ध्यान रखना आपके पास, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे समझते हैं, होता क्या है कि कोई भी अगर आपके पास यानी कि एल्गी है तो ये एल्गी बेसिकली आपके पास इस एल्गी का आपके पास यानी कि ये टूटता है और इसके बहुत सारे क्या बनते हैं आपके पास यानी कि फ्रैगमेंट्स, क्या बनता है, बहुत सारे फ्रैगमेंट। मतलब ये एल्गी का पहले से थाइलेट होगा, थैलस होगा, तो वो थैलस टूटता है और टूटने के बाद ये बहुत सारे क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रैगमेंट। और ये जितने भी आपके पास यानी कि फ्रैगमेंट होता है ना आपके पास यानी कि ये डेवलप्स इनटू, डेवलप्स इनटू न्यू आपके पास यानी कि न्यू थैलस, और ये आपके पास यानी कि नया थैलस बना देता है, मतलब नया प्लांट बना देते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिकली वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है इस तरीके से। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा मैंने बच्चे आपसे कहा कि हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ आपके पास यानी कि स्पोर, बाय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसके अंदर आपके पास ये स्पोर बनाते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली आपके पास यानी कि मोस्ट कॉमनली, कॉमनली स्पोर, स्पोर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसे क्या बोला जाता है आपके पास यानी कि जू स्पोर। क्या बोला जाता है,
जो स्पोर। ध्यान रखना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्पोर होता है ना वो क्या होता है, जो स्पोर। और ये जो स्पोर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होता है आपके पास, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ये फ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूस करता है और इसी फ्लैजिलेटेड की वजह से आपके पास मतलब फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। और इसी की वजह से जितने भी जू स्पोर्स होते हैं ये आपके पास मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट हमेशा वो करेगा जो बेसिकली जिनके पास फ्लैजिला होगा। तो ये तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हो गया। और ये जो जू स्पोर होता है ये जू स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, जू स्पोरेंजियम के अंदर। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जू स्पोर किसमें प्रोड्यूस होता है, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं कि ये जू स्पोर आपके पास इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजियम। किसमें प्रोड्यूस होता है, जू स्पोरेंजियम। समझ पा रहे हैं, जू स्पोरेंजियम। ये बेसिकली सेक्स ऑर्गन होता है, लेकिन एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होता है वो इनविजिबल होता है। आप और मैं एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। और यही वजह है कि जब हम लोग प्लांट को आपके पास यानी कि क्लासिफाई करते हैं तो ये दो वर्ड चलते हैं, क्रिप्टोगैमी और आपके पास फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन आपके पास यानी कि इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और फेनेरोगैमी उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर आपके पास सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं। तो वो बाद में फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, प्लांट किंगडम का पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तो पहला आप लोगों को सारा का सारा ये पांचों के पांचों डिवीजन पढ़ा दे, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बताऊंगा कि किस तरीके से प्लांट किंगडम को दिमाग में फीड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब बच्चे आपके पास यानी कि लास्ट क्या रहेगी हमारे पास, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखें आप लोग नोट करते रहना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए अब मैंने बच्चे आपसे कहा कि मेरे पास यानी कि तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एलगी के अंदर बच्चे हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल के अंदर आपके पास बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स By fusion of gametes, यहाँ पर gametes word का इस्तेमाल, ठीक है। और जब sexual mode of reproduction में by fusion of gamete क्या produce होता है आपके पास, यानी कि thallus। क्या produce होता है, thallus। और ये thallus क्या अपने आप में एक algae है, क्या है, एक ये algae है। ध्यान रखना जब कभी भी हम लोग gametes की बात करते हैं तो इसमें आपके पास तीन word चलते हैं। जैसे आपके पास पहला isogamous, क्या चलता है मेरे प्यारे बच्चे, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एन आइसो, आइसोगैमस। और आपके पास मेरे प्यारे बच्चे ऊगैमस, क्या होता है, ऊगैमस। समझ पा रहे हैं ये क्या होता है, ऊगैमस। अब समझिए आइसोगैमस का मतलब आपके पास यानी कि मेल, मेल एंड फीमेल, फीमेल एल्गी या सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ना ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता चले कि क्या मैं लिखवाने जा रहा हूं ना। मेल एंड फीमेल आपके पास यानी कि एल्गी, एल्गी प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस सिमिलर, सिमिलर और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल गैमेट्स, गैमेट्स। मतलब इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का जो साइज रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चे वो सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास यानी कि सेम रहता है। तो इसमें ये जो हमारे पास यानी कि मेल गैमेट है इसका और इसका साइज जो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके पास भी फ्लैजिला हो सकता है, इसके पास भी आपके पास फ्लैजिला हो सकता है। तो मतलब ये दोनों के दोनों आपके पास यानी कि मोटाइल होंगे, ठीक है, क्या होंगे आपके पास, मोटाइल। लेकिन इसमें कंडीशंस है, जैसे मोटाइल वाले की बात करते तो क्लैमिडोमोनास, जैसे क्लैमिडोमोनास के अंदर क्या होता है आपके पास यानी कि मोटाइल रहते हैं। मतलब क्लैमिडोमोनास अपने आप में एक जीनस है, तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज आती है। जैसे यूलोथ्रिक्स होता है तो हम लोग दूसरा बोलते हैं आपके पास कि भाई दूसरा एग्जाम्पल जैसे यूलोथ्रिक्स,
अब यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, ये भी आपके पास आइसोगैमस के थ्रू प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, लेकिन आइसोगैमस के अंदर आपके पास नॉन मोटाइल भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? विदाउट फ्लैजेला। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा। क्या होता है? स्पायरोगायरा। तो ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि भाई स्पायरोगायरा जो होता है वो आइसोगैमेट्स के द्वारा प्रोड्यूस करता है, मतलब आइसोगैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब दो गैमेट्स जिसका साइज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनके अंदर फ्लैजेला नहीं होगा, साइज सेम रहते हैं, साइज छोटे रहते हैं। आइसोगैमेट्स की खासियत पता है क्या है? कि ऐसा एल्गी तब करता है मेरे प्यारे बच्चे जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट वाटर के अंदर एल्गी रिलीज करते हैं, और जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपके पास आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तब फ्यूजन होता है। तो आइसोगैमिस मतलब आइसोगैमिट्स तब बनते हैं दो छोटे छोटे मेल और फीमेल गैमेट एल्गी बनाती है और इनको रिलीज कर देती है वाटर के अंदर, और जब वाटर के अंदर से मेल और फीमेल गैमेट्स आपके पास यानी कि आता है, फ्यूज करता है, तब जाकर क्या बनता है आपके पास, यानी कि नया थैलस बनता है। समझ पा रहे? तो ये ध्यान रखना आपके पास कि इस केस में ऐसा चलता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे इस तरीके से आपके पास यानी कि प्रोसेस फॉलो अप होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। यहां पे दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जैसे दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दूसरा वाला केस है बच्चे आपके पास अनआइसोगैमस। अब इसमें क्या होते हैं आपके पास यानी कि डिसिमिलर आपके पास यानी कि गैमेट्स, डिसिमिलर गैमेट का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, जो फीमेल होता है इसका आपके पास साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा मान लीजिए, और जो मेल आपके पास यानी कि गैमेट होता है इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब कंडीशंस क्या होता है आपके पास कि भाई ये वाला आपके पास मोटाइल होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला मोटाइल होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला आपके पास नॉन मोटाइल होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला नॉन मोटाइल होगा, बिल्कुल होगा। तो अनआइसोगैमस की जब हम लोग आपके पास यानी कि बात करते हैं तो अनआइसोगैमस के अंदर होता है क्या है कि आपके पास यानी कि दो एल्गी एक मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है और एक फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो ये वाला आपके पास यानी कि मोटाइल होता है, मेल वाला मोटाइल होता है, फीमेल वाला जनरली आपके पास नॉन मोटाइल रहता है ऐसे केसेस में, और वो ज्यादातर ऐसे गैमेट्स जो प्लांट होता है, जो थैलस होता है उसकी बॉडी के ऊपर ही अटैच रहता है और मेल ट्रेवल कर जाता है, फ्यूज करता है, तो ऐसा आपके पास यानी कि चलता है। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस डिप्टियोटा वगैरह के अंदर आपके पास इस तरीके से चलता है। तो ज्यादातर आपके पास यानी कि जैसे एक्टोकार्पस वगैरह होते हैं इनके अंदर ये कंडीशन चलती है। ये तो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस में बहुत सारी स्पीसीज है, क्लैमिडोमोनास के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है, और आप एल्गी की तीनों क्लास लेकर चलिए, जैसे मैंने कहा कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों एल्गी तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो, मतलब आइसोगैमस से भी कर सकते हैं, अनआइसोगैमस से भी कर सकते हैं, ओगैमस से भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही के अंदर होगा, मतलब एक ही जीनस में होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पर कि उसके फेवर में है या नहीं है। आगे देखते हैं अगला बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास अगला क्या आपके पास यानी कि ओगैमस, देखते हैं ओगैमस। अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या आपके पास यानी कि ओगैमस, ये आपके पास यानी कि तीसरा कंडीशन क्या आपके पास यानी कि ओगैमस। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो ओगैमस की हम लोग बात करते हैं, ओगैमस का मतलब क्या है, ओगैमस ज्यादातर आपके पास इसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स होती है ना, जो फीमेल गैमेट्स होती है, ये फीमेल गैमेट्स आपके पास यानी कि लार्ज इन साइज होती है। क्या होती है आपके पास यानी कि लार्ज इन साइज कंटेन फूड, ये फूड को कंटेन करती हैं, एंड आपके पास यानी कि एंड स्टेटिक इन नेचर, ये प्लांट की बॉडी से ही अटैच रहती है, डिटैच नहीं होती। आपके पास लैक फ्लैजला, इसके पास आपके पास लैक फ्लैजला, ये कोई फ्लैजला आपके पास यानी कि इसके पास कोई फ्लैजला नहीं होता। दूसरा, यहां पर आपके पास जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट आपके पास वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इसके पास फ्लैजला होता है। अगर फ्लैजला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यानी कि फ्लैजला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मोटाइल, मतलब ये मूव कर सकता है।
तो इसके पास फ्लैजिला होता है, तो मैं आप ऐसे समझिए, मैंने कहा कि ये आपके पास एक फीमेल गैमेट्स है, क्या है फीमेल गैमेट, और एक यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा गोल 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 मटोल क्या हमारे पास ऐसे करके, ये आपके पास यानी कि मेल गैमेट है। आंख बना दे, चलो बना देते हैं, समझ पा रहे। तो ये करता है कि आपके पास ये मोटाइल होता है नेचर में, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मोटाइल होता है, और ये आपके पास नॉन मोटाइल होता है, ये कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जिसे आना होगा आएगा। समझ पा रहे, जिसे आना होगा आएगा, ये भैया मोटाइल होता है, ये आपके पास यानी कि स्टेटिक रहता है, ये फूड वगैरह कंटेन करके रखता है, तो ये आके सिंपली आपके पास इसके साथ क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, सिंगैमी हो जाता है, और सिंगैमी हो जाता है तो आपके पास डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के ऊपर होता है, बस ये याद रखना आप लोग। इसका एग्जाम्पल बच्चे आपके पास यानी कि वॉलवॉक्स फ्यूकस डाल सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख लीजिए, वैसे तो वॉलवॉक्स भी अपने आप में क्या है, एक जीनस है, वॉलवॉक्स हो गया आपके पास, फ्यूकस हो गया, है ना, तो ये लिख सकते हैं आपके पास, और ऐसा नहीं कि यही होता है, मैं कहता रहा आपके पास यानी कि क्लैमिडोमोनास, इसके भी कुछ स्पीसीज इस तरीके से करते हैं, तो ऐसे आपके पास डिट्रियोटा, लेमिनारिया, सार्गासम, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, ग्लैसिलेरिया, गैलेडियम, समझ पा रहे, माइक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, तो लगभग बहुत सारे होते हैं ऐसे जीनस, कितने जीनस के नाम याद करेंगे आप, करते रहिए, ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, है ना, लिखते रहना, ऐसे नहीं कि नहीं लिखना, लिखते रहना, है ना। अच्छा आगे देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई ये तो आपके पास एक नॉर्मल आपके पास यानी कि शेप की बात करते हैं, अब शेप के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझते हैं कि भाई जो एल्गी होता है, तो इस एल्गी का आपके पास यानी कि इकोनॉमिक, नहीं पहले देख लेते आपके पास यानी कि क्लासेस ऑफ एल्गी, एल्गी की कितनी क्लासेस होती हैं, मैंने आपसे कहा आपके पास कि बच्चे यहां पे आपके पास यानी कि इट हैज मैनी क्लासेस, एल्गी की बहुत सारी क्लासेस होता है आपके पास, और बहुत सारे क्लासेस आपके पास यानी कि फॉर्म्स बाय, तो आपके पास यहां पर क्या होता है कि एल्गी के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि 11 क्लासेस होते हैं टोटल, कितने क्लासेस होते हैं 11 क्लासेस, मतलब आप ऐसा मान कर चुके कि आपके पास, मैंने आपसे कहा कि हाउ मेनी क्लासेस वी हैव आपके पास यानी कि 11 क्लासेस, कितनी क्लासेस 11 क्लासेस होती हैं, लेकिन और ये आपके पास यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आपके पास यानी कि एफी आपके पास, तो उन्होंने डॉक्टर एफी करके जाना जाता है उनको, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने एल्गी को बहुत सारे क्लासेस में आपके पास यानी कि बांटा था, लेकिन क्योंकि सिंस हम लोग आपके पास यानी कि आरएच बिटॉकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आरएच बिटॉकर अकॉर्डिंग टू आरएच बिटॉकर साहब, ये जो आपके पास आरएच बिटॉकर साहब थे, इनके अकॉर्डिंग एल्गी की तीन क्लासेस होती हैं मेजर। इन्होंने बोला कि भाई क्लोरोफाइसी, क्या बोला इन्होंने, क्लोरोफाइसी, इन्होंने बोला आपके पास यानी कि फियोफाइसी, क्या बोला, फियोफाइसी, और इन्होंने बोला आपके पास यानी कि रोडोफाइसी, क्या बोला, रोडोफाइसी, समझ पा रहे हैं, तो इन्होंने बोला क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मेरे प्यारे बच्चे अब समझ रहे, क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, क्या होता है, ग्रीन एल्गी, समझ पा रहे, जब आपसे बोला जाए रोडोफाइसी थियोफाइसी, तो थियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, क्या होता है, ब्राउन एल्गी। जब आपसे बोला जाए आपके पास यानी कि रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है, रेड एल्गी, क्या होता है, रेड एल्गी। आपसे एक जनरल कोई क्वेश्चन पूछे ना कि एल्गी ये तीन, तो आप तीन, ये एल्गी की तीन आपके पास यानी कि मेजर क्लासेस होती है अकॉर्डिंग टू आरएच बिटॉकर साहब, अब मेरे प्यारे बच्चे समझना, इन तीनों एल्गी का हैबिटेट क्या होगा, आप बोलना मोस्टली एक्वेटिक, क्या बोलोगे, मोस्टली एक्वेटिक, आप ध्यान रखना, मोस्टली एक्वेटिक। दूसरी बात, इन तीनों क्लास के अंदर ये याद रखना कि भाई इनका सेल वॉल किसका बना होगा, तो आप बोल देना इनकी जो आपके पास यानी कि अंदर वाली आपके पास यानी कि इनर लेयर, इनर
लेयर ऑफ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, एंड जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिन की, किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिन की। तो एल्गी की आपके पास जो अंदर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की मतलब कार्बोहाइड्रेट, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन मतलब कैल्शियम वगैरह की, समझ पा रहे, कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह होता है तो उसकी बनी हुई होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, इनके पास ये जो एल्गी होते हैं आपके पास, यानी कि फूड के लिए, फूड आपके पास स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए इनके पास क्या होती है, एक बॉडी होती है। तो लगभग आपके पास इन तीनों में, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे आपके पास यानी कि रोडोफाइसी हो, इन तीनों के पास आपके पास यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई बॉडी होगा। स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च की बात करते हैं हम लोग, मैनिटॉल लेमिनारिन की बात करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये जो वर्ड है जो चल रहे हैं आपके पास कि भाई फूड को स्टोर करता है आपके पास यानी कि स्टार्च के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स स्टार्च के फॉर्म में आपके पास, समझ पा रहे। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि स्टोरेज, तो कहने का मतलब इनके पास स्टोरेज बॉडी होता है, क्या होता है आपके पास, स्टोरेज बॉडी होता है, और ये स्टोरेज बॉडी में किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो तीनों के पास होता है, क्लोरोफाइसी के पास भी होता है, फियोफाइसी के पास भी होता है, रोडोफाइसी के पास भी होता है। अब एक चीज समझते हैं, नोट कर लिया, नोट करते रहना ना। देखिए मैंने आपसे कहा बच्चे कि भाई मेरे पास आपके पास यानी कि तीन क्लासेस है, पहला मैंने आपसे बच्चे बोला आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी, क्या बोला आपके पास, यानी कि क्लोरोफाइसी। दूसरा मैंने बच्चे आपसे बोला कि भाई मेरे पास क्या आपके पास यानी कि सॉरी फियोफाइसी, क्या है मेरे पास, फियोफाइसी, फियोफाइसी। और तीसरा मेरे पास क्या बच्चे आपके पास यानी कि रोडोफाइसी, क्या है मेरे पास, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। क्या है मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास, ग्रीन एल्गी, क्या है ये, ग्रीन एल्गी। इसके पास क्या क्या होगा, पहला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल आपके पास यानी कि क्लोरोफिल क्या होगा आपके पास, ए एंड आपके पास यानी कि बी, क्या होगा इसके पास, क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी के पास क्या होगा आपके पास, इसके पास क्लोरोफिल आपके पास यानी कि ए एंड आपके पास यानी कि सी, इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड आपके पास यानी कि जी, समझ पा रहे। इसके पास आपके पास यानी कि कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल भी होता है, आप लिख दीजिए जेंथोफिल्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स मतलब कैरोटीन आपके पास जो होता है क्या आपके पास, यानी कि ऑरेंज कलर देता है, और जेंथोफिल बेसिकली येलो कलर देता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास यानी कि कैरोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चे, और कैरोटीन आपके पास यानी कि ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, और जेंथोफिल बेसिकली आपके पास यानी कि येलो कलर प्रोवाइड करता है, ऐसे याद रखिए। ये बच्चे आपके पास, इसके पास भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि रोडोफाइसी, इसके पास आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथ्रिन, जेंथोफिल फ्यूकोजेंथ्रिन वहां पर, तो यहां पर फाइको आपके पास यानी कि एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन जो बेसिकली प्रीडोमिनेंट होता है, और इसकी वजह से इस एल्गी का जो कलर होता है वो आपके पास यानी कि रेड कलर होता है, तो ये रेडिश कलर के अंदर आपके पास पाया जाता है। यहाँ पर तो बेसिकली आपके पास ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन होता है वाई वर्ड, ये सारे के सारे एल्गी ग्रीन होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे दूसरा पॉइंट समझना आपके पास कि भाई क्लोरोफाइसी के पास जो नंबर ऑफ फ्लैजिला होता है, क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला। तो इसके पास जो फ्लैजिला होता है वो आपके पास यानी कि 2 से लेकर 8 हो सकता है नंबर में, और इनका ओरिजिन जो होगा आपके पास, ओरिजिन फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है वो आपके पास यानी कि एपोकल होता है, या एपिकल लिख सकते हैं, क्या होता है, एपिकल, मतलब एक ही पॉइंट से सारे के सारे फ्लैजिला ओरिजिनेट होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये मेरे पास आपके पास एक सेल है, तो इस सेल के इसी पॉइंट से बहुत सारे फ्लैजिला ओरिजिनेट होंगे, हो सकता है 4 हो। फियोफाइसी के पास आपके पास यहां पर नंबर ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ जो फ्लैजिला होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो सिर्फ आपके पास यानी कि 2 होता है,
और ये दो फ्लैजला जो होता है आपके पास वो बायलेटरली अटैच होते हैं, बायलेटरली अटैच होते हैं, बायलेटरली अटैच होते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि भाई एक के अंदर क्या आपके पास, यानी कि दो से आठ हो सकता है, एक के अंदर कितना आपके पास, सिर्फ दो बायलेटरल आपके पास बायलेटरली अटैच होते हैं। और यहां पर नो फ्लैजला, नो फ्लैजला, यहाँ पे कोई फ्लैजला नहीं होता, यहाँ पे कोई फ्लैजला नहीं होता आपके पास, फ्लैजला आर अब्सेंट। फ्लैजला क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर कोई फ्लैजला अब्सेंट मतलब कोई फ्लैजला नहीं होता। फियोफाइसी के अंदर दो फ्लैजला होता है, क्लोरोफाइसी के अंदर दो से लेकर आठ फ्लैजला होते हैं। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? तो ये चीज ध्यान रखना आपके पास कि भाई इनके अंदर आपके पास, यानी कि यहाँ पर फ्लैजला दो से आठ हो सकता है, यहाँ पर दो फ्लैजला होगा, यहाँ पर कोई फ्लैजला नहीं होगा। तीसरा पॉइंट बच्चे आपके पास स्टोरेज बॉडी की बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि भाई यहाँ पर आपके पास यानी कि पेरिनोइड्स, पेरिनोइड्स, इसके पेरिनोइड्स के अंदर आपके पास यानी कि स्टार्च, स्टार्च आपके पास यानी कि बिसाइड द प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके पास, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिसाइड आपके पास यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्च होता है। इस केस में अगर देखते हैं बच्चे तो हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि मैनिटॉल, क्या बोलते हैं, मैनिटॉल एंड आपके पास लेमिनारिन, लेमिनारिन के फॉर्म में आपके पास यानी कि होता है कि स्टार्च ही होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम है मैनिटॉल एंड लेमिनारिन। यहां पर क्या होता है आपके पास यानी कि फ्लोरीडीन स्टार्च, फ्लोरीडीन स्टार्च, ये बेसिकली आपके पास सिमिलर टू होता है आपके पास सिमिलर टू एमाइलो, एमाइलो पैक्टिन एंड आपके पास यानी कि ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन। तो ये ध्यान रखना बच्चे आपके पास कि भाई यहाँ पर पेरिनोइड्स होता है मतलब कि स्ट्रक्चर्स होता है जो बेसिकली आपके पास यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जो स्टार्च के बगल में प्रोटीन को, लिपिड्स वगैरह को भी स्टोर करके रखता है। तो मतलब स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टार्च वाले, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर मैनिटॉल, लेमिनारिन, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। और यहाँ पर फ्लोरीडीन स्टार्च जो बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स होता है किसकी तरह, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह, ये भी कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा देखो, ये तो बच्चे ये दोनों बातें आपके पास क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखना, मतलब प्लास्टिड से। तो मतलब ये वाली बात और ये वाली किससे रिलेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होती है। अच्छा आगे देखना, इन तीनों के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आप एक चीज कॉमन देख सकते हो आपके पास, यानी कि क्लोरोफिल ए। कॉमन क्या देख सकते हो, क्लोरोफिल ए। तो आप ऐसे याद कर लेना, क्लोरोफिल ए दिनों में कॉमन रहेगा, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल आपके पास ए डी। ये ध्यान रखना बच्चे आपके पास क्लोरोफिल ए इज ए चीप पिगमेंट, क्लोरोफिल ए आपके पास एक चीप पिगमेंट होता है और ये हायर प्लांट के अंदर पाया जाता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना बच्चे क्लोरोफिल आपके पास यानी कि ए ही, एक क्लोरोफिल ए आपके पास ध्यान रखना, ये जो क्लोरोफिल ए है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए बेसिकली आगे जाकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही है जिससे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि चीप पिगमेंट। अगर हमारे पास कोई मुख्य अतिथि है तो वो कौन है आपके पास, यानी कि क्लोरोफिल ए होता है। बाकी बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट। तो पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज कॉल्ड पिगमेंट, आप कहिए पिगमेंट प्रोटीन्स होते हैं, पिगमेंट्स आर आपके पास यानी कि प्रोटीन्स, या दूसरी भाषा में आप उसको ये समझाएं कि पिगमेंट्स आर केमिकल्स विच एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, सिंपल भाषा में आप उसे ऐसे जवाब दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होता है आपके पास, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लाइट एनर्जी को क्या करती है आपके पास यानी कि एब्जॉर्ब करती है, समझ पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स बोलते हैं। और पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास यानी कि एसेंशियल पिगमेंट होता है, समझ पा रहे, एक हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल पिगमेंट। तो एसेंशियल पिगमेंट कौन हो गया, क्लोरोफिल ए, और दूसरा होता है एसेसरी पिगमेंट मतलब सहायक आपके पास पिगमेंट। तो वो कौन से होते हैं आपके पास, क्लोरोफिल बी सी डी ई एफ और आपके पास कैरेटिनॉइड्स जेंथोफिल, समझ पा रहे, फाइकोबिलिंस, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोकाइन, समझ पा रहे। तो ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। हालांकि जब आपके पास मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे मेरा एक टॉपिक होगा, कौन सा आपके पास, यानी कि पिगमेंट का,
ठीक है, आपके पास यानी कि पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक के अंदर लगभग जितने भी पिगमेंट्स हैं, मतलब जितने भी क्लोरोफिल ए बी सी डी जितने भी टाइप्स है, सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल एसेसरी नॉन एसेसरी सारे करवा दूंगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे तो नहीं, नेक्स्ट जब आपके पास यानी कि उसमें पढ़ाऊंगा तो वहां पे कर लेंगे। आगे देखिए, अब इनकी बात करते बच्चे कि फ्लैजला हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखते, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी है, क्या आपके पास क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी फियोफाइसी नाम याद कर लो भाई, वर्ड फियोफाइसी रोडोफाइसी रोडोफाइसी, आपसे बोले ना, आप बोल देना कि भैया इसके अंदर आपके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर होता है, असेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है। कोई बोले सेक्सुअल होता है, बोल देना बिल्कुल होता है, सेक्सुअल भी होता है, बस फर्क कितना होता है, यहां पर फ्रेगमेंटेशन से होगा, इसके अंदर क्या बनेगा जूस्पोर, क्या बनेगा जूस्पोर, इसके अंदर क्या बनेगा आपके पास यानी कि स्पोर बनेगा या गैमेट्स बनेगा, तो यहां पर आपके पास गैमेट्स बनता है, क्या बनता है गैमेट्स बनता है, बस फर्क कितना होता है कि इनके पास फ्लैजला होता है, क्या होता है फ्लैजला होता है, समझ पा रहे। और आपके पास यानी कि फ्लैजला का नंबर 2 से लेकर 8 हो सकता है, इसका फर्क होता है। अच्छा दूसरा देखिए अगला, इसमें जो ब्राउन एल्गी है ना मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ये वाला आपके पास यानी कि एल्गी है, इसमें क्या होता है वेजिटेटिव होता है बिल्कुल, इसमें भी यस होता है, किसके द्वारा होता है फ्रेगमेंटेशन, इसमें होता है यस, इसमें भी होता है, किसके द्वारा होता है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यस होता है, किसके द्वारा होता है जूस्पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन फ्लैजिला का नंबर कितना रहता है आपके पास यानी कि बायफ्लैजिलेटेड अनइक्वल फ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड अनइक्वल आपके पास यानी कि फ्लैजिलेटेड, यहां पर बायफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या ऐसे रहेगा, एक फ्लैजिला बड़ा रहेगा एक फ्लैजिला आपके पास छोटा रहेगा, इसे बोलते हैं बायफ्लैजिलेटेड अनइक्वल लेटरली। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है, इसमें यहां पर भी होता है, और यहां पर जब आपके पास यानी कि गैमेट्स बनते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये गैमेट्स आपके पास यानी कि मैंने आपसे बोला आइसोगैमस ऊगैमस और एनआइसोगैमस, तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन वर्ड ध्यान रखना, तीनों रहेंगे, तीनों के द्वारा होता है, लेकिन ये क्या रहेगा आपके पास यानी कि फ्लैजिलेटेड रहेगा। रोडोफाइसी मतलब क्या आपके पास रेड एल्गी, मेरे प्यारे बच्चे ये जो मेरे पास यानी कि रेड एल्गी है, क्या इसके अंदर आपके पास वेजिटेटिव होता है, बिल्कुल होता है, क्या आपके पास यानी कि असेक्सुअल होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना आपके पास असेक्सुअल होता जरूर है लेकिन आपके पास विदाउट फ्लैजला, विदाउट फ्लैजला, समझ पा रहे हो, सेक्सुअल होता है बिल्कुल होता है लेकिन सबसे ज्यादा आपके पास ओगैमस के द्वारा, किसके द्वारा आपके पास ओगैमस के द्वारा, इसके अंदर सबसे ज्यादा आपके पास ओगैमस, और यहां पर आपके पास यानी कि मोटाइल होंगे नहीं भैया, यहां पर आपके पास जो भी बनेगा वो नॉन मोटाइल होगा, क्या बनेगा आपके पास नॉन मोटाइल, क्योंकि यहां पर क्या होता है फ्लैजिला आपके पास यानी कि एब्सेंट रहता है, तो यहां पर नॉन मोटाइल बनेगा, मतलब कोई मोटाइल नहीं होगी, कोई मोटिलिटी नहीं होगी, समझ पा रहे। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों मोटाइल वाले, ये वाला आपके पास नॉन मोटाइल वाला, समझ पा रहे मैंने क्या बोला आपसे कि मेरे पास ये दोनों फ्लैजिला वाले, ये बिना फ्लैजिला वाले, इनके अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे स्पोर बनेंगे वो आपके पास मोटाइल होंगे, रोडोफाइसी के अंदर आपके पास जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होगा आपके पास नॉन मोटाइल होगा, और ज्यादातर मोस्टली रोडोफाइसिस जो होता है वो आपके पास कैसे रिप्रोड्यूस करता है आपके पास मोस्ट कॉमनली बाय वेजिटेटिव मींस यानी कि फ्रेगमेंटेशन, कौन सा मेथड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आपसे कोई पूछता है कि क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी कहां पाया जाता है, बोल देना समुद्रों में, कहां पाया जाता है वाइवर समुद्रों के अंदर, रोडोफाइसी रेड एल्गी है, पानी के सबसे डेप्थ निचले स्तर में कौन पाया जाता है रोडोफाइसी, हालांकि रोडोफाइसी ऊपर भी पाया जाता है सरफेस के लाइटेड एरिया के अंदर जहां पर वॉर्म होता है जहां पर इसका हैबिटेट बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर रेड रेड कलर का नजर आते हैं ये, तो कहने का मतलब ये उस रीजन में भी पाया जाता है लेकिन मोस्टली ये दोनों भाई साहब आपके पास ज्यादातर कहां पाया जाता है समुद्रों के अंदर, याद रखेंगे, याद रखना। आगे देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई इनके एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास
यहाँ पर आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछता है कि भाई इसका एग्जांपल क्या है, तो इसके एग्जांपल में आपके पास यानी कि पहला वॉल वॉक्स क्लैमिडोमोनास यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा ठीक है, चारा डाल सकते हैं, कारा डाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारे डाल सकते हैं। अच्छा इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि दूसरा यूदोरीना, चलो यूदोरीना भी डाल सकते हैं है ना। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है आपके पास यानी कि बहुत सारे होते हैं, चलो फिलहाल यही डाल दो आपके पास, यानी कि एक एल्गी होता है जिसका नाम होता है आपके पास यानी कि मैक्रोसिस्टिस, तो ये भी इसी के अंदर आता है ना। आगे देखते हैं अगला बच्चे, मैंने कहा कि भाई ब्राउन एल्गी, तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं आपके पास यानी कि ब्राउन एल्गी, मतलब ब्राउन एल्गी का मतलब क्या है, अब देखो मैंने टर्म चेंज कर दिया ब्राउन एल्गी, तो इसका मतलब आपके पास मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फियोफाइसी की, किसकी बात कर रहा हूँ आपके पास यानी कि फियोफाइसी की। फियोफाइसी के एग्जांपल के अंदर आपके पास यानी कि आप डाल सकते हैं एक्टोकार्पस डाल सकते हैं, कैल्प्स डाल सकते हैं डिक्टियोटा डाल सकते हैं समझ पा रहे हैं, आपके पास यानी कि लेमिनारिया डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सार्गाशम डाल सकते हैं, तो मतलब डालने का क्या आपके पास यानी कि बहुत कुछ हम लोग आपके पास यानी कि सार्गाशम डाल सकते हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे, ये सारे के सारे हमारे घर सबको डाल दो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा बच्चे मैंने आपसे बोला कि भाई रेड एल्गी, तो कहने का मतलब रेड एल्गी का क्या होगा, मतलब रोडोफाइसी का एग्जांपल क्या होगा, तो रोडोफाइसी का मेरे प्यारे बच्चे रोडोफाइसी का जो एग्जांपल होगा ना, वो एग्जांपल आपके पास आप क्या डाल सकते हैं, सबसे पहले चलो ग्लेसिलेरिया से ही बात करते हैं, ग्लेसिलेरिया डाल देना, गैलीडियम डाल देना, ठीक है, गैलीडियम के बाद आपके पास यानी कि पोरफायरा डाल देना पॉलीसिफोनिया डाल देना समझ पा रहे हैं, तो आपके पास गैलीसिलेरिया, गैलीडियम, आपके पास पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, तो ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे यानी कि रेड एल्गी के आपके पास एग्जांपल होते हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चे आप लोगों को याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रोडोफाइसी के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। अब कुछ और बातें हैं वो देखते हैं आपके पास यानी कि एल्गी के रिस्पेक्ट में, तो क्या है कि भाई यूजेस की बात करते हैं कि भाई एल्गी का आपके पास यानी कि यूजेस क्या होता है। तो जब आप लोग आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, पहला आप ध्यान रखना आपके पास कि पहला 50% ऑफ CO2 का फिक्सेशन करता है ये इस अर्थ के ऊपर, ध्यान रखना, बाय प्रोसेस कॉल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, समझ पा रहे हैं। दूसरा जहां पर भी रहते हैं O2 का कंसेंट्रेशन आपके पास यानी कि इंक्रीज कर देते हैं, O2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं जहां पर भी एल्गी ज्यादा पाया जाता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर किसी के ऊपर सारा का सारा एनिमल अगर डिपेंड करता है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास यानी कि एल्गी के ऊपर, क्योंकि एल्गी होते हैं जिसको आपके पास स्मॉल फिशेस खाकर सरवाइव करते हैं, तो एल्गी की वजह से पूरा का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तीसरी बात की भाई हमारे पास यानी कि ये जो एल्गी, तो देखो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब क्या है,
इस अर्थ के ऊपर 50% CO2 को कौन फिक्स करता है? आपके पास एल्गे करता है, जहां पर भी रहता है जैसे वाटर में, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन या लेवल को कौन बढ़ाता है? एल्गे बढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज देखो, अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है वाटर के अंदर आपके पास? एल्गे है। अगर एल्गे नहीं होगा तो जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स है, फिशेस है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते। तो उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसी को खाकर वो जिंदा रहते हैं। तो कहने का मतलब ये रहते हैं, है ना। अच्छा आगे देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि एगर एगर है, तो ये आपके पास यानी कि एगर एगर जो होता है, ये बेसिकली हम लोग आपके पास यानी कि ऑब्टेन्ड इस एगर एगर को हम लोग करते हैं कि आपके पास यानी कि ये जो एगर एगर होते हैं हम लोग एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, और इसका इस्तेमाल आपके पास एगर एगर को आपके पास यानी कि जो ऑब्टेन करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते हैं? इस एगर एगर का, इस एगर एगर का इस्तेमाल किया जाता है आपके पास टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है, टू ग्रो माइक्रोब्स। इसका इस्तेमाल आपके पास यानी कि आइसक्रीम एंड जेलिस प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है, आइसक्रीम एंड जेलिस प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है। तो अब लगा लो ना, देखो तो ऐसा नहीं है आपके पास कि भाई इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब अगर ऑब्टेन किया जाता है एल्गी से, और इसको हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स किसको? जनरली आपके पास यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को, फंगस वगैरह को ग्रो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह को ग्रो करवाने के लिए करते हैं, आइसक्रीम के अंदर करते हैं, या जेलीज वगैरह आपके पास जो जेलीज वगैरह प्रिपरेशन करते हैं इसके अंदर, कैंडीज चॉकलेट वगैरह बनाने में करते हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत सारी मिठाइयां भी आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज में एल्गी की मिठाइयां बनती हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पास मिठाइयां भी खाती हैं, एल्गी का मिठाइयां भी खाते हैं, आइसक्रीम के अंदर आपके पास यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे देखिए, आगे आपके पास यानी कि एक हमारे पास यानी कि एल्जिन, दो वर्ड हैं, एल्जिन है, देखते हैं आपके पास, एक मिनट इसको आने करते हैं। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एल्जिन ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, ब्राउन एल्गी से, और दूसरा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि केराजिनान होता है, वैसे तो केराजिनान ये बेसिकली रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। आपके पास इन दोनों के पास होता है क्या है? ये दोनों एक्चुअल में क्या होता है आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, हैव आपके पास यानी कि कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो इसका बहुत ज्यादा कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है आपके पास हाइड्रोकोलॉइड्स। तो ये हाइड्रोकोलॉइड्स की वजह से आपके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ये ध्यान रखना, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या होता है बच्चे आपके पास, जैसे हम लोग कुछ आपके पास जैसे लेमिनारिया सारगासम और फायरा ये तीन है आपके पास, और इस तीन के अंदर से आपके पास यानी कि इन तीन जीनस के अंदर से 70 स्पीसीज जो है ना, स्पीसीज वो बेसिकली एडिबल है, मतलब इन्हें खाए जाते हैं, एडिबल होते हैं, मतलब इन्हें खाया जाता है। तो एडिबल मतलब आपके पास, तो लेमिनारिया सारगासम और पोरफायरा ये तीनों जीनस है, और इन तीनों जीनस के अंदर से 70 स्पीसीज अमंग द आपके पास यानी कि मेराइन हैबिटेट, ये क्या होता है आपके पास यानी कि एडिबल होते हैं, इन्हें हम लोग खा सकते हैं, चबा सकते हैं, समझ पा रहे हैं, इसके अंदर से खाए जाते हैं। और इनको ज्यादातर किस लिए खाया जाता है आपके पास यानी कि क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है, तो इनके अंदर आपके पास सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ठीक ठाक होता है, ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो। किसकी कमी ना हो आपके पास यानी कि आयोडीन की कमी ना हो। तो बहुत सारे लोग ये एल्गी आयोडीन की कमी के लिए खाते हैं, जिनको आयोडीन वगैरह का डेफिशिएंसी होता है वो लोग बेसिकली इसको चबाते हैं, सब्जी में खाते हैं ताकि आयोडीन की कमी ना हो, क्योंकि भाई जो सॉल्ट आ रहा है जरूरी तो नहीं ना उसके अंदर आयोडीन हो। सॉल्ट क्या होता है? NaCl, तो सोडियम क्लोराइड होता है जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है एडिबल के लिए, जरूरी थोड़ी ना कि उसके अंदर आयोडीन है। लेकिन आपके पास ये जो हमारे पास यानी कि जीनस है ना, इसके अंदर आयोडीन होगा, इस बात की गारंटी होती है कि इसके पास आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होगा, और इसीलिए बहुत सारे लोग आपके पास इनको चबाते हैं, इन ऑर्डर टू आपके पास यानी कि गेट द आयोडीन फ्रॉम इट, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास यानी कि आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं, जैसे कुछ एल्गी आपके पास, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि भाई क्लोरेला है,
ये आपके पास स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना है, ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? यूनिसेलुलर, मैंने शुरू में ही बोला था यूनिसेलुलर एल्गी होता है। और ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ये दोनों आपके पास रिच इन प्रोटीन होता है। किसमें होता है आपके पास? रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है कि इसका हम लोग बिस्किट बना ले, माय गॉड, क्या बना लेते हैं? बिस्किट्स बना लेते हैं। और इस बिस्किट को मैं नहीं खाता, बिस्किट बना सकते हैं या पेस्ट बना सकते हैं। और ये पेस्ट और बिस्किट कौन खाते हैं आपके पास? स्पेस ट्रेवलर। कौन खाते हैं आपके पास? स्पेस ट्रेवलर। तो ध्यान रखना, जो लोग स्पेस में जाते हैं ना, उनके लिए जो बिस्किट और पेस्ट होता है ना, वो किससे बनता है? स्पाइरुलिना एंड कोलेरा से। क्योंकि दीस एल्गी आर रिच इन प्रोटीन एंड एज ए रिजल्ट उन्हें भी पता है भैया वहां पे दाल चावल तो छोकेंगे नहीं ना, नहीं छोकेंगे, वहां क्या बनाना पड़ेगा? मतलब भैया हमें आर्टिफिशियल होना चाहिए। एक बिस्किट खाए प्रोटीन की पूरी बॉडी, मतलब प्रोटीन की सारी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी कर दे। एक पेस्ट को आपके पास इस तरीके से चूसा जाता है वहां पर, समझ पा रहे हैं? स्पेस के अंदर, वहां दाल चावल नहीं बनता भैया, है ना, वहां किचन उचन नहीं होता है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपके पास यानी कि चीजें चलती है। आगे देखिए, तो ये प्यारे बच्चे आपके पास कुछ इकोनॉमिक आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आपके पास यानी कि आप समझना, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको इकोसिस्टम में भी देखने को मिलेगा। जैसे समझते हैं आपके पास, हमारे घरों से क्या निकलता है भाई, और सीवेज, क्या निकलता है? सीवेज। और इस सीवेज को आपके पास यानी कि डीकम्पोज करने में भी कुछ एल्गी आपके पास यानी कि हेल्प करते हैं। और इसमें स्पीशीज होता है कुछ आपके पास यानी कि क्लैमिडोमोनास का। किसका होता है? क्लैमिडोमोनास का। तो क्लैमिडोमोनास के कुछ स्पीशीज होते हैं, स्पाइरोगायरा के होते हैं। तो स्पाइरोगायरा वगैरह और इनके जो स्पीशीज होते हैं वो आपके पास यानी कि सीवेज को क्या करते हैं? डीकम्पोज करने में आपके पास यानी कि मदद करते हैं। तो सीवेज डिस्पोजल, ये आपके पास वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए एल्गी हमारी मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो भाई कर नहीं सकते, मतलब डीकम्पोज नहीं कर सकते। तो मतलब ये इस चीज में भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। अच्छा देखो, जैसे कुछ एल्गी का आपके पास यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि ब्राचो स्पर्मम, ये आपके पास यानी कि एल्गी होता है। और ये बेसिकली आपके पास कैसा दिखाया जाता है आपके पास यानी कि फ्रॉग स्पॉन्ग की तरह, मेंढक का बच्चा होता है उसकी तरह आपके पास इस एल्गी के सेल लगते हैं, ब्राचो स्पर्म, समझ पा रहे हैं? यानी कि फ्रॉग स्पॉन्ग। अब समझ लो, तो मतलब ऐसा भी है कुछ आपके पास एल्गी जो फ्रॉग के आपके पास स्पॉन्ग की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आपके पास मेंढक के बच्चे वैसे ये एल्गी आपके पास यानी कि दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास यानी कि ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होता, मतलब कुछ एल्गी इस तरीके से भी दिखाई देते हैं, समझ पा रहे? तो कुछ चीजें और भी है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि इप्पी, आपके पास यानी कि इप्पी फाइट्स बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं, तो बहुत सारे आपके पास यानी कि पैरासाइटिक एल्गी भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे एल्गी होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके पास नेक्स्ट क्लास में मैं एल्गी के कुछ आपके पास यानी कि टर्म्स है मेरे प्यारे बच्चे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा एल्गी ही, और एल्गी के जितने भी टर्म्स हैं और जितने भी आपके पास यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल आपके पास यानी कि यूजेस हैं, जीनस है तो मेडिसिनल यूजेस जरूर होगा, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एल्गी के आपके पास यानी कि एक्सेप्शंस, एडवांटेज और अनयूजुअल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चे, आपके पास जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर आपके पास अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में, कि एल्गी के आपके पास यानी कि ऐसे हैबिटेट जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास यानी कि थर्मोफाइट्स एल्गी होता है जो 50 से लेकर 70 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव करता है। तो थर्मोफाइट्स भी होता है, तो वो बेसिकली मैं ऐसे एल्गी आपके पास हेलोफाइट्स एल्गी जो सॉल्टी एरिया यानी कि सलाइन हैबिटेट के अंदर पाया जाता है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे एल्गी के बारे में, और सबसे बड़ा एल्गी कौन सा है वाइवर बता देना आपके पास, ठीक है? और ऐसे एल्गी जो बेसिकली ब्रायोफाइट आपके पास जिम्नोस्पर्म्स और एल्गी की बॉडी के ऊपर पाया जाता है, नाम बता दो वाइवर, बता दो, ठीक है? सोच कर रखना ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही टर्म्स और ऐसी एल्गी के आपके पास यानी कि डेफिनेशन, एग्जांपल और यूजेस देखेंगे। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पर ओवर करता हूं मैं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
कंटिन्यूएशन ऑफ एलईडी के साथ।